पहले के समय विवाह के संबंधों में लड़के लड़कियों की पूरी छानबीन पंडितों और नाइयों पर छोड़ दी जाती थी। लड़के से रिश्ता पक्का करने के लिए पीली चिट्ठी और लगन ले जाने का काम नाई ही करता था। एक व्यक्ति की लड़की तुतलाती थी। उसने अपनी लड़की के रिश्ते के लिए एक नाई से कह रखा था। उसी नाई के प्रयास से रिश्ते के लिए बात चली। पहले लड़की वाले लड़के को देखने गए। लड़का एक जरूरी काम से जा रहा था, इसलिए वह एक मिनट उनके बीच बैठा, नमस्ते की और चला गया। लड़का सुंदर था और कारोबार भी अच्छा था। लड़के से संबंधित शेष जानकारी उस पक्ष के नाई और परिवार वालों से मिल गई। जब लड़की को देखने वाले पहुँचे तो लड़की पक्ष के नाई ने एक कमरे में बैठा दिया। बैठे लोगों के लिए लड़की नाश्ता और चाय रखकर चली गई। शेष बातें लड़की के घर वालों तथा नाई से प्राप्त कर ली। लड़की भी सुंदर और घरेलू कामों में होशियार थी। लड़के वाले का नाई स्थिति को समझ गया, लेकिन बोला नहीं। रिश्ता तय हो गया और वह समय भी आ गया जिस दिन बारात आनी थी। बारातियों को खाना आदि खिलाने के बाद लड़का और लड़की विवाह मंडप में आए। दोनों को देखकर लड़की और लड़के वाले बहुत खुश थे कि दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। फेरे होने के बाद दोनों बैठे ही थे कि लड़की की नजर सामने जाती हुई दोनों ही पर पड़ी और वह घबराकर बोल पड़ी, तीला तीला। इतना सुनते ही लड़के ने अपने आसपास देखा और उसके मुंह से निकला, तायम तायम। सब लोगों की नजर जब दुमुंग ही पर पड़ी तो पहले सब लोग भौचक के रह गए, फिर दोनों तरफ के लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। दूल्हा और दुल्हन दोनों मुंह लटकाए धरती को देखते रहे। कभी कभी कनखियों से एक दूसरे को देख भी लेते थे। लड़की वालों ने सोचा था कि मेरी लड़की तोतली है, लेकिन लड़का अच्छा मिला है। इसी प्रकार लड़के वालों ने भी सोचा था कि मेरा लड़का तोतला है, लेकिन लड़की ठीक मिली है। लेकिन तीला तीला तायम तायम ने साबित कर दिया कि जैसे को तैसा मिला। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर